देश में सियासी हलचल तेज है। लंबे वक्त से लोगों की निगाहें राहुल गांधी पर टिकी हुई थी। सवाल ये था कि आखिर राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड में किसे चुनेंगे, और अब राहुल ने रायबरेली को चुन लिया है तो बीजेपी की धड़कनें फिर बढ़ गई हैं। अपना फैसला सुनाते हुए कांग्रेस सांसद ने बीजेपी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने अयोध्या को लेकर बीजेपी को घेर लिया है। तो क्या कुछ कहा राहुल ने, देखिए ये रिपोर्ट। राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ दी है। अब वायनाड सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा और कांग्रेस ने यहां से प्रियंका गांधी को उतारने का ऐलान कर दिया है। चुनावी मैदान में प्रियंका की एंट्री से बीजेपी पहले ही घबराई हुई नजर आ रही थी कि राहुल के बयानों से उसकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में अयोध्या में बीजेपी को मिली हार को लेकर तंज कसते हुए कहा कि नफरत की राजनीति का जवाब यूपी की जनता ने दिया है। बीजेपी का अयोध्या में हारना एक सीधा संदेश है कि बीजेपी ने जो नफरत की राजनीति फैलाई है उसे स्वीकारा नहीं जाएगा। वहीं यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल ने विपक्ष के अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि यूपी में चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में अब लड़ाई उत्तर प्रदेश में होगी। राहुल के इस बयान में एक तरफ विधानसभा चुनाव में जीत का भरोसा दिखाई दे रहा है तो बीजेपी के लिए चुनौती भी। उत्तर प्रदेश में इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की परफॉर्मेंस को देखते हुए आगामी विधानसभा चुनाव काफी चुनौतीपूर्ण होने वाले होंगे। राहुल ने वायनाड सीट पर अपनी बहन प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए ये बयान दिया है। वहीं प्रियंका के चुनाव लड़ने पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि मैं भी प्रियंका के सपोर्ट के लिए वायनाड जाऊंगा। वायनाड के लोगों से हमने जो वादे किए हैं हम उनको जरूर पूरा करेंगे। इसके साथ ही राहुल ने चुनाव में मिली जीत के लिए वायनाड की जनता का आभार व्यक्त किया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।